हेलो पेरेंट्स, मेरी चैनल पेरेंटिशियन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे दी गई हर एक जानकारी पहले मेरे हस्बैंड डॉक्टर रचित दोषी, जो कि एक पीडियाट्रिशियन और कंसल्टेंट न्यूनेटोलॉजिस्ट है, उनके द्वारा प्रमाणित की गई है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो ये सेम वीडियो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में भी बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे पता लगा पाए कि माँ का दूध बच्चे को सही मात्रा में मिल रहा है या फिर वो बच्चे के लिए कम पड़ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपको ये बहुत साफ साफ पता चल जाएगा कि बच्चे को भर पेट दूध मिल रहा है या नहीं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी तीन ऐसी गलत फहमियाँ जो बहुत से लोगों को है इस बारे में। उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे कहाँ कन्फ्यूजन हुआ था और फिर उसके लिए मैंने क्या किया था। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अगर सातवें दिन के बाद आपका बच्चा 24 घंटे में 6 से 8 बार यूरिन या पेशाब पास करता है तो इसका मतलब है कि उसे भर पेट दूध मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, लेट डाउन रिफ्लेक्स। इसका मतलब है कि बच्चा जब एक प्रेस से फीडिंग कर रहा है तो उसके ऑपोजिट प्रेस से, बाजू वाले प्रेस से दूध अपने आप निकलना शुरू हो जाए। अगर ये होता है तो इसका मतलब है कि माँ का दूध बहुत ही अच्छे मात्रा में बन रहा है। पर हाँ, अगर ये ना हो तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि माँ का दूध कम बन रहा है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर सातवें दिन के बाद आपके बच्चे का वज़न हर हफ्ते में 150 से 200 ग्राम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसे बहुत अच्छे से भर पेट माँ का दूध मिल रहा है। अब हम बात करते हैं तीन गलत फहमियों की। सबसे पहली गलत फहमी, मेरा बच्चा जो है वो रोज़ पॉटी करता है या तो फिर वो 2 से 3 बार दिन में पॉटी कर रहा है तो इसका मतलब कि उसका पेट भर जाता होगा, तभी तो वो पॉटी करता है। पर यह बात बिल्कुल गलत है। पहले कुछ महीनों में बच्चा जो है वो एक दिन में 8 से 10 बार पॉटी कर सकता है या तो फिर 5 से 6 दिन में सिर्फ एक बार, और ये दोनों ही कंडीशंस बिल्कुल नॉर्मल है। तो हमें सिर्फ यूरिन आउटपुट से ही पता चलता है कि बच्चे को भर पेट दूध मिल रहा है या नहीं। दूसरी गलत है, मेरा बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से सो रहा है, इसका मतलब कि उसका पेट भर गया है, तभी तो वो इतने शांति से सो रहा है। अब इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई है। हाँ, अगर बच्चे का पेट भर गया है तो वो अच्छे से 2 से 3 घंटे तक सोएगा। पर अगर बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा है तो भी वो सोता ही रहेगा, क्योंकि बच्चे के पास उठकर रोने की ताकत ही नहीं है। और ये कंडीशन में अगर हम मान ले कि बच्चे का पेट भर गया है इसीलिए वो सो रहा है तो बच्चा इजीली डिहाइड्रेशन में जा सकता है। इसलिए पहले कुछ दिनों के लिए बच्चे को हर 3 घंटे पे दूध ऑफर करें। तीसरी गलतफहमी, मेरा बच्चा जो है वो लगभग 1.5 घंटा 1 घंटा तक फीडिंग कर रहा है तो इतना ज़्यादा दूध पी रहा है तो इसका मतलब है कि उसका पेट भर ही जाता होगा। पर बहुत कॉमनली ये देखा गया है कि अगर माँ का दूध सही मात्रा में बन रहा है तो बच्चा जो है वो 10 मिनट से करीबन 25 मिनट के बीच में फीडिंग करता है और फिर छोड़ देता है। हाँ, अगर वो कभी कभार 1.5 घंटा 1 घंटा तक फीडिंग करे तो दैट इज़ ओके, उसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर वो ज़्यादातर फीडिंग सेट से ही कर रहा है तो हो सकता है कि माँ का दूध कम बन रहा है इसीलिए वो इतना लंबा फीडिंग करता है। तो अगर ये सिचुएशन है तो आप उसके यूरिन आउटपुट पे और उसके वजन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे दें। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था पहले 7 दिनों में, क्योंकि एक तो पहले 7 दिनों में बच्चे का जो है वो वेट लॉस होता है 6 to 8%। बच्चा जो है वो 6 से 8 बार पेशाब पास नहीं करता, उससे कम बार पास करता है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था अपने फीडिंग पे। तो हमने जो है ये मेथड यूज़ किया था ये पता करने में कि मेरे डॉटर का पेट भर रहा है या नहीं। अब ये मेथड कोई पीडियाट्रिक की बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो एक बार आपके बच्चे के पीडियाट्रिशियन से बात कर लें। हम जो है वो मेरी डॉटर को पहले 30 मिनट या वो जब तक चाहे तब तक उसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग करने देते थे, फिर उसके तुरंत बाद हम उसे फॉर्मूला मिल्क देते थे। फॉर्मूला मिल्क यानी कि डिब्बे के अंदर पाउडर फॉर्म में जो दूध आता है वो हम उसे वो देते थे। तो हमने ये देखा कि पहले 3 दिन में बहुत सारे सेशंस ऐसे रहे थे कि जहाँ 30 मिनट ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद भी वो लगभग 15 ml जितना फॉर्मूला मिल्क पी जाती थी। तो इससे हमें ये पता चल गया था कि ब्रेस्ट फीडिंग किसे उसका पेट नहीं भर रहा है। फिर ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के जितने भी मेथड्स थे वो हमने यूज़ किए, और फिर 4th डे पे ये देखा
कि ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद वो सिर्फ 2 या 3 ml जितना ही फॉर्मूला मिल्क पीती थी, तो इससे फिर ये पता चल गया कि चलो अब उसका पेट भर रहा है। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है, इसलिए जब तक उसे फॉर्मूला मिल्क देने की ज़रूरत ना पड़ रही हो, बच्चे को प्लीज़ सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखें। दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो जितने भी नए मॉम्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। कोई डाउट्स है आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे आपको। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।